Gepasst nach dessen wir jetzt sein. Willst du beleidigt? Ist die Sani, willst du beleidigt? Ist die Sani, wo Barbati, wo du kannst gehen? Alter, Charlie, ich habe dich. 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 Bil mi vapci yoke? Agar bil vapci neyse? Agar kanun vapci ney yoke? Dolake stike atat batta kutsa. Stike atat rol duruyor. Ay sani kutsa. Geldi yap rol duruyor. Görmüyor. नमस्कार, मैं तेजिंदर और आप देख रहे हैं नेशन टाइम। गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की यहां तैनाती कर दी गई है। यहां पर पीएसी के जवान, आरएएफ की कंपनियां वो यहां तैनात कर दी हैं और आप देख सकते हैं दोनों तरफ ये सारा पूरा अमला है जो यहाँ पर तैनात हो गया है। और अभी मैं आपको बता दूँ कि अभी लगभग 15 मिनट पहले प्रशासन बात करने गया था, जब टिकैत राकेश टिकैत जी जब मंच से भाषण दे रहे थे और उनसे बातचीत हुई उनकी गिरफ्तारी को लेकर, लेकिन राकेश टिकैत ने क्लियर कर दिया है कि गिरफ्तारी नहीं होगी। और अभी भी वहां पर जो नेता हैं वो मौजूद हैं अंदर, जो मंच के ऊपर ही बातचीत चल रही है। और जितने भी यहां इस आंदोलन में किसान आए हुए थे उनको सबको यहां पर इसी मंच पर बुला लिया गया था, यहीं पर इनवाइट कर लिया गया था। नाराजगी इस बात को लेकर थी जो राकेश टिकैत जी की, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहां पर जो बीजेपी के विधायक और नेता हैं और कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया है, यहां पर माहौल खराब कराने की कोशिश की जा रही है लगातार। लेकिन ये बात भी जरूर है कि जहां कल जो बीजेपी विधायक है लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर, उन्होंने ये बात जरूर कही थी कि अगर प्रशासन हमें मोहलत दे तो हम जो ये देशद्रोही किसान है, यहां पर किसान जो बैठे हैं अपने आप को किसान बता रहे हैं, खाने का काम करेंगे। तो फिलहाल स्थिति यहां पर बहुत सेंसिटिव बनी हुई है और जो अभी कुछ देर में ऐसा भी हो सकता है कि जो ये प्रशासन का जो अमला है ये जाकर धरने स्थल को खाली कराए। और जिस तरह की मुस्तैदी यहाँ पर दिखाई दे रही है, अमूमन रूप से ये यहाँ पर नहीं हुआ करती थी, लेकिन अभी देखिए आप पूरी लाव लश्कर के साथ यहाँ पर तैनात हैं पूरा जो अमला है वो। और देखिए इस रोड पर ट्रैफिक खुला हुआ था, ये भी बता दें कि ये रोड पर जो ट्रैफिक खुला हुआ था लेकिन अब फिलहाल इस रोड को बंद कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पर ये चिंता जताई जा रही है कि यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है और ऐसे में ये जो आंदोलन है क्या इसका आज आखिरी दिन होगा, क्या यहाँ से किसानों को वापसी घर भेज दिया जाएगा। जिस तरह की बात की जा रही थी कि जो बसें हैं रोडवेज की वो यहाँ लगा दी गई हैं और कहा जा रहा है कि किसानों से हम बात कर रहे हैं और उन्हें यहाँ से उनके घर भेजने के लिए जो हमने इंतजाम किए हैं, तो क्या इन सब चीज़ों पर कुछ सहमति हो पाएगी। लेकिन किसानों की तरफ से जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तरफ से साफ हो चुका है कि ऐसी जो गद्दारी है, ऐसी जो बातचीत है, ऐसे नहीं होगी, क्योंकि इसमें जो बीजेपी के जो लोग हैं, विधायक हैं, वो लोग शामिल हैं और वो बदतमीजी कर रहे हैं, माहौल को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आप नजर बनाए रखिए हमारे साथ और हम आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। तेजिंदर सिंह, नेशन टाइम।